हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आई दृष्टि का जो घटना चक्र का आई दृष्टि आता है उससे हम लोग करेंट अफेयर्स डिस्कस करें। 32 नंबर पेज तक डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद हम बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जो अधिनियम वाला पार्ट है ना, जो 6-7 पेज में दिया, वो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो आराम से। उसमें एक दो मुश्किल से करना है वो भी नहीं करना है, क्योंकि अधिनियम में उतना डीप आता नहीं एग्जाम में। चलिए, और इसको इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा आई बटन पे और या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, या पेज जब वीडियो खत्म होता है ना तब वहाँ पे मिल जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन, खाद्य तेल की बात करें यानी एडिबल ऑयल की बात करते हैं, उसमें भी कौन से एडिबल ऑयल, पाम की बात करते हैं यानी तार का जो तेल होता है ना उसके भी बात करते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें फोकस किया क्या किया गया है कि यार 2025-26 तक जितना भी जमीन अभी हो रहा है उसके अतिरिक्त लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर और जमीन पे किया जाए खेती, और प्रोडक्शन को 10.20 लाख टन तक पहुंचाया जाए कम से कम 2025-26 तक, 29-30 में और ज़्यादा ये भी याद नहीं रखना है। बस ये थोड़ा सा ये याद रख सकते हो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वायल पाम, और फोकस ज़्यादातर यही है पूर्व नॉर्थ ईस्ट वाला और अंडमान निकोबार वाला। जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से, जो जालियांवाला बाग है ना, पता है, एक नेशनल मेमोरियल घोषित किया गया है। यानी जालियांवाला बाग अब राष्ट्र का मेमोरियल है, मतलब नेशनल मेमोरियल बन गया है। कौन इसको प्रबंधन करे याद नहीं रखना है। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बागत हो गया था, तो 13 अप्रैल 2020 को एक साल मनाया गया था, मतलब 100 साल मनाया गया था। और इसको जो जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क एक बनाया गया, उसका उद्घाटन किया था अमरिंदर सिंह जी ने, ठीक है ना, वर्चुअल रूप से किया था, ये याद रखिए, अमृतसर में है। और ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी ने, जो अमरिंदर सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है वहाँ पे जालियांवाला बाग पीठ की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये नेशनल मेमोरियल बन ही गया। उज्ज्वला योजना में पता है एलपीजी देने की बात की, एलपीजी का फ्री कनेक्शन देने की बात की, फ्री कनेक्शन। बस एक इसका ये मतलब नहीं है, कतई नहीं मतलब है कि आपको हर महीने महीने जो सिलेंडर मिले वो फ्री मिलेगी। तो जो इसका उज्ज्वला 1.0 लॉन्च किया गया था, ये बलिया से लॉन्च किया गया था, लेकिन उज्ज्वला 2 जो लॉन्च किया गया वो कहाँ से, महोबा से। महोबा कहाँ पे है, मैं लोकेशन आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में है महोबा, ठीक है। पहले फेज में 8 करोड़ को वुमेन को दिया गया फ्री कनेक्शन, इसमें क्या किया गया 1 करोड़ देने की बात चल रही है। इसके तहत एक और चीज है उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल भी और चूल्हा, ये सब निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शून्य अभियान है, शून्य अभियान इसका मतलब है जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है तो व्हीकल को कुछ इस तरह इलेक्ट्रिक बनाया जाए कि उससे जो पॉल्यूशन है वो कम निकले, ठीक है। ये किसका अभियान है, नीति आयोग का अभियान है। नीति आयोग किसके साथ मिलके, आरएमआई और आरएमआई इंडिया के साथ मिलके। तो सिंपल पूछेगा शून्य अभियान किसका अभियान है, तो आप बता देना नीति आयोग और आरएमआई का। क्यों, क्या काम है, क्या करना चाहते हैं, जीरो एमिशन कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन सर्किल से, ट्रांसपोर्टेशन वाहन से। लद्दाख का केंद्रीय विद्यालय बना है, क्या नाम पर है, सिंधु विश्वविद्यालय, यहाँ पे नाम है सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पहली बार किसी रिवर के नाम पे पड़ा है, सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है। और इसका जो आधिकारिक क्षेत्र होगा ना वो लेह और कारगिल और पूरा लद्दाख होगा, ठीक है, इतना याद रखना है। उसके अलावा एक बॉडी बनाई जा रही है, उस बॉडी का क्या काम होगा, लद्दाख में जो भी कंस्ट्रक्शन होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, वही करेगा। क्या नाम है, एक बनाया जाएगा इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी बनेगी, बस ये याद रखिएगा। उसके बाद उमलिंगला दर्रा, उमलिंगा दर्रा ये एक्चुअली रिकॉर्ड तोड़ा है बोलीविया के एक दर्रे का, बोलीविया का एक दर्रा है वो, उसका सबसे हाइट कितना था, 18,900, इसका और है लगभग 19,300 है। ये हाईएस्ट मोटरेबल, मतलब मोटर चलती है
और सबसे ऊंचा रोड है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि सबसे लंबा रोड कौन है, तो एक पैन अमेरिकन हाईवे है, ये है सबसे लंबा। ये आपको पूरा अलास्का से होके पूरा पेरू ब्राजीलिया वगैरह तक आता है, याद नहीं रखना है, ठीक है। ठीक है, ये जो हुआ ना, जो ऐसे एरिया में, जो पहाड़ वाले एरिया में प्रोजेक्ट डेवलप होता है, कुछ भी प्रोजेक्ट, वो किस प्रोजेक्ट के अंदर होता है? प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर, ठीक है ना। उमलिंगला जो है वो किस किस को जोड़ता है? लद्दाख के चिसुमले को देमचोक से जोड़ता है, लद्दाख का जो चिसुमला है उसको देमचोक से जोड़ता है, इतना याद रखिए। जो प्रोजेक्ट हिमांक है, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बनाने के लिए है, किसका है? बीआरओ का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लद्दाख का पशु, राष्ट्रीय पशु कौन है? हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपार्ड, ठीक है, स्टेट एनिमल। उसके बाद ब्लैक नेक्ड क्रेन, जिसको काली गर्दन वाला सारस बोला, तो इसको स्टेट बर्ड घोषित किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब तक कश्मीर का कौन था? कश्मीर का तो कश्मीरी हिरन और हंगुल, जो कश्मीरी टाइगर हंगुल था, राष्ट्रीय पक्षी उसका भी यही था, ठीक है ना। उसके बाद साइंटिफिक नाम याद नहीं रखी। हिम तेंदुए क्या है, किस कैटेगरी में? वल्नरेबल कैटेगरी में है, IUCN की लिस्ट में। और हिम तेंदुए और उसके आवास के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया था 2009 में, और 23 अक्टूबर को बनाया जाता है वर्ल्ड स्नो लेपर्ड लिस्ट। और ये किस लिस्ट में? नियर थ्रेटन में है, लद्दाख के। और जो ब्लैक नेक क्रेन वाला मिलता है, लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में मिलता है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो। देखो, हिम तेंदुए किस कैटेगरी में? वनरेबल कैटेगरी में, यहाँ याद रखना है। उसके अलावा वही हिम तेंदुए को स्नो लेपर्ड बोलते हैं। और कालीगंज, देखो ये स्नो लेपर्ड के किस कैटेगरी में है? वनरेबल। लेकिन अगर तुमको ब्लैक नेक्ड क्रेन बोला जाए तो है नियर थ्रेटन, ठीक है ना। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर मनाया जाता है। स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट कब है, कब से आया? 2009 से। ऐसे आपको मिलान देगा कि स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, मिलान करो, ठीक है। ई रूपी को बनाए किसने है? NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये क्या है? एक बनाए किसके द्वारा, तो हमने देख ही लिया है। ये एक सिंपल सा SMS और QR कोड के रूप में होगा, और ये प्रीपेड वाउचर होगा। ये नहीं, QR कोड है, प्रीपेड वाउचर है, आप उसको पे कर सकते हो ई वाउचर के रूप में। आप इसको प्लीज कभी भी डिजिटल करेंसी मत समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सहकारिता मंत्रालय, आपको पता है ना, सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स है। इसके मिनिस्टर कौन बनाएगा? अमित शाह जी को। राज्य मंत्री किनको बनाया गया? BL शर्मा जी को। हेल्प कहाँ पे करेगा? एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और बहुत सारे सहकार बहुराज्य जो सहकारिया समिति होती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, उनको मदद करेगा। 2012 को आपको पता है कौन सा हुआ करता था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स होता था, और जुलाई महीने के पहले शनिवार को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाते हैं। एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये पहले हेवी एक मिनिस्ट्री था, क्या नाम था उसका? हेवी मिनिस्ट्री करके था, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक इंटरप्राइजेज वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ गया। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री अकेले रह गया, तो उसका नाम अकेले भारी उद्योग मंत्रालय हो गया अब, क्योंकि उससे पब्लिक इंटरप्राइज तो हट गया। पब्लिक इंटरप्राइज कहाँ पे आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर टोटल 6 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, दीपम इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट वाला, फाइनेंशियल सर्विस और पब्लिक इंटरप्राइजेस। इसमें ज़्यादा याद रखें, ये है AI, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है, देखो आप, ठीक है।
और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो उच्च शिक्षा विभाग नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसके द्वारा जारी किया, 10वां रिपोर्ट है। इसने बताया कि भाई टोटल इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, लगभग इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, मतलब पहले इतना था अब इतना हो गया, ये याद नहीं रखना है। सिर्फ ही याद रखना सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट में कौन राज्य टॉप पे है, उत्तर प्रदेश टॉप पे है, उत्तर प्रदेश टॉप है, बस इतना ही ध्यान रखना, हो गया काम, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, भारतीय स्तर पे लगभग छात्र शिक्षक अनुसार कितना है, 26। कॉलेज भी सबसे ज्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। सीईओ वाटर मैंडेट, देखो सीईओ नाम से पता, सीईओ जितने भी कंपनी है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सार्वजनिक हो या निजी भागीदारी वाली कंपनी हो, इन सब के हेड आएंगे और यहाँ पे फोकस किस चीज पे होगा कि भाई वाटर के प्रॉब्लम पे फोकस होगा, कि जल संबंधी जो ग्लोबल चुनौतियां है उसका समाधान कैसे करेंगे। तो इसका स्थापना हुआ यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट 2007 में, ठीक है, बस याद रखिए। तो एनटीपीसी इसमें क्या हुआ है, भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जो एनटीपीसी है, ये साइन की है कि भाई ये भी पार्ट बनेगी सीईओ वाटर मैंडेट का। सिंपल पूछेगा, सीईओ वाटर मैंडेट में साइन करने वाली भारत की कौन सी कभी अभी हाल में ही साइन किया है, तो एनटीपीसी। एनटीपीसी के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ देख ले रहे हैं। तो देखो पहली कंपनी बन गई है जो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के अंग के रूप में एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल हासिल किया है, गोल हासिल किया है। तो इसने बताया कि 2032 तक ये क्या करेगी, 60 गीगावाट बनाएगी, क्या नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी में 60 बनाएगी, 60 गीगावाट, ठीक है। और उसके अलावा 2032 तक ये अपने नेट एनर्जी इंटेंसिटी है ना, उसमें 10% की कटौती भी करेगी, तो ये याद नहीं करना है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क ये रन ऑफ कच्छ में बनाया जा रहा है, इसका देख रहे हो 4750 मेगावाट, ठीक है। और ये व्यावसायिक स्तर पर क्या बनाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा, कोई दिक्कत। उसके अलावा एनटीपीसी का जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड वाला ब्रांच नहीं है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांच जो है लिमिटेड, उसने क्या किया है, एक ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट चलाया है, कहाँ पे, लद्दाख में, और लद्दाख के साथ एमओयू साइन किया है। और एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट एनटीपीसी ने कहाँ बनाया, विशाखापट्टनम में जो सिम्हाद्री है वहाँ पे जलाशय है। उसके अलावा एक दो चीज़ और है, और इसकी क्षमता 25 मेगावाट होगी। तेलंगाना के रामागुंडा में भी 100 मेगावाट के ये घोषणा कर दी गई है, अभी बना नहीं है। रामागुंडा में अभी तक 80 मेगावाट का बन गया है, 100 बनना ना, 80 का बन गया है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, तृतीय थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत का सूचियां, थर्ड एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है ना। टोटल जो 17 गोल है ना, उसमें से 16 गोल पे रैंकिंग निकालता है, और टोटल 115 संकेतक होते हैं, ठीक है। अब इसमें बस थोड़ा सा रिपोर्ट देख लेते हैं, जैसे भारत ग्लोबल जो रिपोर्ट निकालता है ना, उसमें भारत का स्कोर है 66। अब रिपोर्ट में देख लेते हैं कौन सा नंबर है, कौन एसडीजी में, कौन केरला टॉप किया है, अंतिम 5 में बेहतर बिहार सबसे बॉटम है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ ने टॉप किया, ये बात याद रखिए। सबसे नीचे कौन है, दादर नगर हवेली, ताप विद्युत संयोजना में जो थर्मल एनर्जी होता है ना, उसमें जो कोयला के जगह पे, कोयला तो यूज किया ही जाता है एनर्जी बनाने के लिए, कोयला के साथ साथ बायोमास पेलेट्स भी यूज किया जाएगा, बस ये याद रखिए जाएगा। मतलब बायोमास को आप ऐसे फॉर्म में छोटे छोटे में कन्वर्ट कर लो, इसको बना लो पेलेट्स, और ये जलने पे आपको कोई नुकसान नहीं फैलाएगा, बस ये समझ लो। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये याद रखिए कब से कब तक, क्योंकि ये बहुत बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये कहाँ कब से कब तक होगा वो दे पता करना होगा,
ये होगा स्टार्ट होगा 12 मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, ठीक है। और ये पहल कब तक चलेगा, 15 अगस्त 2023 तक। और जो 2022 वाला साल होने वाला है, आने वाला है, वो हमारा 75वां सप्ताह है, 75वां जन्म, 75वां साल है किसका, हमारे आज़ादी का, क्योंकि 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। इसके लिए एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई, याद रखिए, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी किसके अध्यक्षता में, होम मिनिस्ट्री के अध्यक्षता में, ठीक है। और उसके अलावा एक और बनाई गई है आज़ादी का अमृत महोत्सव, सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में, ठीक है। कई चीज़ों पर बात कर किया गया है। युवा बहुत अच्छा योजना है, युवा प्रधानमंत्री योजना, इसमें जो उच्च शिक्षा विभाग है, जो हायर वाले डिपार्टमेंट है शिक्षा मंत्रालय के अंदर में, ये क्या 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 कर रहे हैं कि जो ऑथर है ना, यंग ऑथर, वो अगर अच्छा काम करे तो उनको अवार्ड दिया जा रहा है। उसका फुल फॉर्म क्या है, युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर, ठीक है। इसका पूर्ण रूप है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, युवा का यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर, ठीक है। सूक्ष्म दृष्टि वाला है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।